हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर मेंस पेपर्स के डिस्कशन में। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आपके साथ यूपीएससी के पुराने पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। 2013 वर्ष लिया हमने, 2014 वर्ष लिया हमने, उसमें जीएस 1 से 3 तक डिस्कस किए। 2014 में भी जीएस 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीएस 2 वर्ष 2014 का। अगर आपने मुझे इसी वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोस को देखें। आपकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, आप जाएं उस प्लेलिस्ट में जाके सभी यूपीएससी के पुराने आंसर डिस्कशंस को देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हर एक वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ के कैसे उस तक पहुंचा जाए, कैसे एक सही आंसर बनाया जाए, एक कंटेंट से लदा हुआ आंसर बनाया जाए, ये चीज़ देखी। तो अगर आप हमारी आंसर राइटिंग टिप्स को अपनाएंगे, अपने आंसर में ढालेंगे, तो आपको सभी अपने मेंस एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। भले ही यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीएससी का मेंस हो, या किसी और स्टेट का आने वाला मेंस हो, उसमें आप एक अच्छे आंसर के साथ ऑलरेडी तैयार रहेंगे। तो हमारे पुराने लेक्चर्स देखिए, उससे अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज की लेक्चर सीरीज़। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपको इस लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारे पेड ग्रुप्स पे अवेलेबल हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग यूपीएससी के अलावा बाकी स्टेट के एग्ज़ाम्स की भी गाइडेंस देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इन केस आपको टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट करना हो तो वो सुविधा भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए हो तो इन दिए गए दो नंबरों पे संपर्क करें, हम आपको पूरी तरह सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब हमारी लेक्चर सीरीज़। शुरू करने से पहले मैं ब्रशअप कर लेता हूँ अपनी आंसर राइटिंग को कि हमने क्या सीखा इस दौरान। देखिए, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इन चीज़ों का। सबसे पहले आंसर्स को आप अगर तैयार करें, आपको लिखना है, तो एक राइट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। राइट अप्रोच बनेगी कैसे भाई? राइट अप्रोच बनेगी इस तरीके से, जब आप क्वेश्चन को समझेंगे, जब आप उसके कीवर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, इस कीवर्ड के अनुसार ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तो फिर आपके दिमाग में उससे संबंधित कंटेंट आएगा। अब इस कंटेंट को आपको करना है अरेंज। अरेंज करेंगे जब आप, तो आपको ध्यान रखना है टाइम लिमिट का। हर एक क्वेश्चन यूपीएससी में अगर अटेम्प्ट करना है तो 7 से 8 मिनट से आप ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना आपके बाद के क्वेश्चंस पे फ़र्क पड़ेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो इसीलिए टाइम का बहुत ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंटेंट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। मतलब ये है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे 200 वर्ड का डिमांड करता है, कहता है कि भाई 200 वर्ड में ही आंसर करो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको 170 से 180 वर्ड तक ही आंसर कर दें। इतने में ही अपना बेस्ट कंटेंट दीजिए, जिससे कि आप इन 20 वर्ड के लिए जो टाइम सेव करें, वो टाइम ऐड होके एंड तक आते आते आपको 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भरपूर समय दे। तो इस तरीके से आप अपने पूरे पेपर को स्ट्रेटजाइज करें, इस तरीके से अपनी अप्रोच रखें। उसके बाद मैं चलता हूँ कुछ फंडामेंटल्स पे कि आंसर राइटिंग में क्या फंडामेंटल्स हैं। देखिए, कोई भी आंसर लिखने से पहले ज़रूरी है सवाल को तो देखा जाए। तो सवाल को देखना पड़ा, वहीं आपको समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड क्या है। जो सवाल में कीवर्ड है, जो क्वेश्चन में कीवर्ड है, उसी के अनुसार हमारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है। देखिए, कीवर्ड से मेरा तात्पर्य है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज, कोई आपसे कहते हैं एनालाइज, कोई डिस्कस कहते हैं, कोई क्रिटिकली डिस्कस कहते हैं, कोई इलैबोरेट कहते हैं, कोई इलूसिडेट कहते हैं, कोई कमेंट कहते हैं। तो इन हर एक कीवर्ड के साथ अप्रोच आपकी बदल जाती है। जो क्रिटिकली एनालाइज में आपको करना है, वो आपको एनालाइज में नहीं करना, जो आपको डिस्कस में करना है, वो आपको इलैबोरेट में नहीं करना। तो हर एक कीवर्ड के साथ एक अलग स्ट्रैटेजी जुड़ी है, तो वो स्ट्रैटेजी हम लोग समझेंगे अपने इस डिस्कशन में। उसके बाद आता है, अब आपने स्ट्रैटेजी बना ली, आपको शुरू करना है अपना आंसर। सबसे पहले आपका आंसर में आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? एक झलक है कि मैं आगे क्या बात करने जा रहा हूँ, उस बारे में ये बताएगा आपको। उसके बाद आपकी आएगी बॉडी, यानी कि आपका कंटेंट भरने की जगह, यानी कि आप यहीं पे अपनी सारी क्रिएटिविटी लगाएं।
सभी कंटेंट दें, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस दें, जिससे कि फैक्ट्स, रिपोर्ट, जजमेंट्स, सेंसस के डेटाज, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, इन सब से आपका आंसर जो है भारी भरकम होता चला जाएगा। उसके बाद फाइनल आप जब एक जजमेंट देंगे तो उसको आप कहते हैं कंक्लूजन। ध्यान रहे ये जजमेंट जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ना ही आप किसी चीज़ के समर्थक हैं, ना ही आप किसी चीज़ के आलोचक हैं, आप एक मिडिल पाथ ढूंढने की तरफ हैं। तो मिडिल पाथ यानी कि आपका बैलेंस्ड जजमेंट। कोशिश करें ये जो आप जजमेंट दे रहे हैं ये सकारात्मक नोट पे आप एंड करें। अगर मैं कोई भी बात को एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एंडिंग देता हूँ तो सामने वाले पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम यही कोशिश करेंगे अपने कंक्लूजन में। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, अगर कोई हमने प्रॉब्लम का जिक्र किया है तो कंक्लूड करते करते एक सल्यूशन और उसमें लिख दें। इस सल्यूशन को लिखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नज़र आती है, एग्जामिनर को दिखेगा कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स व्यू पॉइंट रखते हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने के अच्छे चांस हो जाते हैं। फिर अगर आंसर लिखने की बात है तो दो अप्रोचेज होती हैं मेरे पास। देखिए पहली अप्रोच जो है वो है पैराग्राफ फॉर्मेट में और दूसरी अप्रोच है पॉइंट फॉर्मेट में। कोई भी अप्रोच आप अपना सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ अप्रोच आप अपनाएंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसमें आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हैं। लेकिन ध्यान रहे इस वाली अप्रोच में आपको यहाँ और यहाँ एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, और ये कनेक्ट बनेगा इन कुछ वर्ड्स से, मोर ओवर, हाउएवर, ऑल्सो और फर्दर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपका एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कराएंगे और एक पूरे आंसर में पहले शब्द से आखिरी शब्द तक जो है एक डेटा फ्लो एस्टैब्लिश होगा। अगर आप पॉइंट्स में लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी कोई कुछ भी ख़राब नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है। बस इसमें आप ध्यान रखें आप सब हेडिंग्स मेंशन करें। अगर आप अपना क्वेश्चन पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये है इंट्रोडक्शन, ये रहा पहला सब हेडिंग और उसके अंदर का कंटेंट, ये रही दूसरी सब हेडिंग और उसके अंदर का कंटेंट, फाइनली एक कंक्लूजन। तो आपका पॉइंट फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो सब हेडिंग्स हैं ये आप अलाइन करें कि क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है उसी से। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इवोल्यूशन लिखो तो पहला आप सब हेडिंग में लिखें इवोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड लिखो तो आप दूसरा लिखें डिमांड, और फिर उस तरीके से उसको कंटेंट से भरें। अगर आप इस तरीके की अप्रोच अपनाते हैं तो भी सलाह मेरी ये रहेगी कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे मिस ना करें, ये ज़रूर लिखें। उससे आपको कब एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएं ये कोई नहीं जानता। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वर्ष 2014 GS2 पेपर का पहला सवाल। तो जो भाई ये सवाल है ये आया है जुडिशियल एक्टिविज्म से। देखिए ये एक जुडिशरी जो एक टॉपिक है ये एज अ टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अगर मैं क्वेश्चंस बताऊं तो ये 2013 2014 दोनों में आए हैं। इनफैक्ट 2015 में भी क्वेश्चन आया है एक ऑर्डिनेंस के ऊपर, 2016 में आया है एक कोहेलो केस के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जुडिशरी एक एज अ टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट अपने आप में मान्यता रखता है। तो ये टॉपिक पे आप कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस याद कर लें, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड केसेस हैं जो आप दो तीन जगह पे कोट कर सकते हैं, दो तीन अलग अलग क्वेश्चंस में, उनको याद करें। उनके अंदर की जो स्कोप है, जो उनका विड्थ है, उसको याद करें, और वो जो आपके जजमेंट्स हैं वो आप अपने आंसर्स में लिखें। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और आपको अपने आंसर को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन्वेंट करने से लेकर जुडिशरी ने एक अच्छा एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है भारत को एक डेमोक्रेसी के तौर पे स्थापित करने में। तो इसी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको जुडिशियल एक्टिविज़म पे कमेंट करना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि किस तरह जुडिशियल एक्टिविज़म ने डेमोक्रेसी को स्थापित कर रखा है, कैसे उसको और मजबूत बनाया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज़म से डील करता है। क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में हम लोग करते क्या हैं, अपना ओपिनियन रखिए टॉपिक के ऊपर कि भाई बताया है कि नहीं बताया। अब जैसे हमारी जो अप्रोच रहती है वो इस तरीके की रहती है, अगर स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई उसने स्थापित किया है डेमोक्रेसी को, एक और ज़्यादा मजबूत बेस दिया है, तो आप इसी पे और ज़्यादा केसेस दे, एग्जांपल्स दे, जिससे इसी ये वाले स्टेटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाएं।
फाइनली आप जो सिग्निफिकेंस है टॉपिक की, मतलब अगर जुडिशियल एक्टिविज्म बात हो रही है तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या सिग्निफिकेंस रखता है, क्या रोल प्ले करता है, इस पे बातें करें। इवैल्यूएट में आपको ये करना होता है। अब अगर क्वेश्चन को ब्रेकअप करें तो देखिए दो पार्ट उभर के आते हैं। पहली बात, जुडिशरी का रोल रहा है इंडिया को एज अ डेमोक्रेसी डेवलप कराने में, तो आपको बताना है क्या रोल प्ले करता है जुडिशियल एक्टिविज्म इस डेमोक्रेसी के स्थापना में, क्या रोल प्ले करता है ये इसको स्थापित करने में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अप्रोच जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, पहले मैं डिफाइन करूंगा जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, क्या इशू है जो क्वेश्चंस में कवर्ड है वो मेरे को यहाँ पे लिखने हैं। बॉडी में जो है आपको शुरुआत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बताना है, लेकिन ध्यान रहे ये आपके क्वेश्चन का एक सब पार्ट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में देखिए शुरुआत में हल्का सा मेंशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, तो ये आपके क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा बस बनेगा। मेन क्वेश्चन इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा, मेन क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड, जुडिशरी क्या रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। इसमें आप क्या करें, केसेस मेंशन करें कहाँ कहाँ पे जुडिशरी ने रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कराने में। कोई लॉ बताएं, जैसे कि है विटनेस प्रोटेक्शन लॉ, ऐसे कोई लॉ बताएं जो जुडिशरी ने बनाया हो जिसके तहत एक डेमोक्रेसी की स्थापना की गई हो, जिसके तहत कुछ अच्छा हो भारत के लिए। और जब जुडिशरी कोई लॉ बनाती है देखिए, तो वो अपने डोमेन से जो कि है चीज़ों को सही या गलत देखना, उस डोमेन से बाहर निकल के लेजिस्लेटिव डोमेन में एंटर कर जाती है। तो जब ये लेजिस्लेटिव डोमेन में एंटर करती है तो इसी चीज़ को आप कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये अभी हम लोग आंसर में भी अपने डिफाइन करेंगे। फाइनली आप अगर कोई रिकमेंडेशन आपके पास हो तो आप वो भी लिखिए, तो वे फॉरवर्ड हो जाएगा वो आपका। ये वे फॉरवर्ड ही आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, या फिर कंक्लूजन एक अलग से लिख के सकारात्मक नोट पे उसको एंड कर सकते हैं। आंसर्स देख लेते हैं। आइए देखिए, इंट्रोडक्शन जो है मैंने वहाँ पे कहा है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। भाई जुडिशियल एक्टिविज्म है कि जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करना जिससे कि कुछ सोसाइटी के फेवर में डिसीजंस दिए जा सकें। जुडिशियल एक्टिविज्म और क्या है, ये पावर देता है जूरिस्ट्स को, जजेस को, कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ अगर संविधान के अगेंस्ट जाता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देने का। फाइनली ये एम्पावर करता है जुडिशरी को कि आप लेजिस्लेटिव डोमेन में कदम रखें और वहाँ पे लॉ बनाएं या लॉ को मोल्ड करें अपने कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे। डॉक्ट्रिन ये वाली जो आई है, ये आई है केशवानंद भारती केस में, स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है ये। अब बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, देखिए ये जो डॉक्ट्रिन है ये एक प्रिंसिपल है जो अलाउ करती है इंडियन जुडिशरी को एज अ प्रोटेक्टर, एज अ सेफ गार्डिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड कर सके। तो ये देखिए, इंडियन जुडिशरी टू प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑल्टर किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विल्स ऑफ लेजिस्लेचर, कि भाई अपनी इच्छाओं के अनुसार आप कोई लॉ को मोल्ड ना कर सकें उसके लिए जुडिशरी बैठी है। और ये जुडिशरी जो बैठी है वो आएगी, वो उस लॉ को आपने जहाँ भी हल्का फुल्का भी सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ किया है वो उसको चेंज करेगी, और इसको कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उसके बाद हम बात करते हैं ये आई कब, केशवानंद भारती केस में इस वर्डिक्ट में कहा ये गया कि जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्टर है, वो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करेगी। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी चीज़ है जिसको अमेंड करेंगे तो वो चीज़ आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इसी जगह से जुडिशियल एक्टिविज्म की नींव रखी गई, यहाँ से उसका फाउंडेशन हुआ। फिर मैंने मेंशन कर दी है कुछ केसेस जहाँ पे जुडिशरी ने बहुत अच्छा एक्टिव रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को बचाने में, उसको एस्टैब्लिश करने में। देखिए सबसे पहले तो सुभाष काशीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस, इसमें क्या था, जो हमारी शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, उसको अमेंड किया गया इन द फेवर ऑफ द कम्युनिटी, तो इसीलिए उस कम्युनिटी का पक्ष स्ट्रांग किया गया, तो इसीलिए डेमोक्रेसी को बचाया गया। उसके बाद एक केस मैंने मेंशन किया है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें जो कि हमारा सेक्शन 498 है इंडियन पिनल कोड का, उसके मिसयूज़ को कैसे रोका जाए इस पे चर्चा की गई। अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
इसमें एक टाइम फिक्स किया गया कि भाई इस समय ही आप जो है दिवाली के पटाखे जला सकते हैं, और एनसीआर में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही जलाए जाएंगे। आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया गया, उसमें और अंदर चीज़ें भरी गईं जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, उसके तहत एनजीटी एस्टैब्लिश हुआ 2010 में, राइट टू एजुकेशन भरा गया, उसके तहत आरटीई आया 2002 में। तो यहाँ पे भी जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, जिसके तहत जुडिशरी ने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया, उसमें नए राइट्स ऐड किए, और उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर सरकार ने अलग अलग जो है स्कीम्स बनाई, अलग अलग एक्ट्स बनाए। तो इस तरीके से जुडिशरी ने यहाँ भी रोल प्ले किया फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। उसके बाद श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, आप लोगों को मालूम होगा इसमें 66A जो है सेक्शन, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 19 को वायलेट करता था, तो हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया कि जो अब गाड़ियाँ चलेंगी वो BS6 व्हीकल्स ही चलेंगे, BS4 व्हीकल्स जो हैं वो अब अलाउ नहीं होंगे आफ्टर 31 मार्च 2020। तो यहाँ भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जुडिशरी ने कदम रखा और एक लॉ बनाया और कहा इस तारीख के बाद आप ये चीज़ नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जुडिशल एक्टिविज्म का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जुडिशरी ने विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए स्कीम बनाई, एक लॉ बनाया, जिसके तहत एक विटनेस है जो आप अगर कोर्ट में आता है तो उसको उसके घर से लेकर कोर्ट तक हर जगह प्रोटेक्शन दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन दी क्रिमिनल या फिर क्राइम जिसके अगेंस्ट वो विटनेस है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे केस मेंशन किए, आपने आंसर को भारी भरकम बनाया। फाइनली आप कंक्लूड करेंगे इस बात पे कि इंडियन जुडिशरी ने शुरू से लेकर एक इम्पॉर्टेंट पिलर का रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी में हमारी, उसने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, जगह जगह पे उसने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बचाया है, प्रिजर्व किया है, कंजर्व किया है फाइनली। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि कभी कभार डिबेट उभर के आती हैं जुडिशियल एक्टिविज्म पे और जुडिशियल ओवररीच पे। अब ये जो जुडिशियल ओवररीच है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का ही आप समझ लें एक्सट्रीम फॉर्म है, जब जुडिशरी बहुत आगे तक चली जाती है और कुछ ऐसे लॉज बना देती है जो फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगते हैं, तो जुडिशियल ओवररीच समझ लीजिए आप इसको। लेकिन हमारी सक्सेसफुल जो हिस्टोरिकल इंस्टेंसेज हैं जो मैंने यहाँ कोट किए हैं, उसके तहत मैं ये बात कर सकता हूँ कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है फेडरलिज्म से रिलेटेड। ये जो फेडरलिज्म टॉपिक है ये भी UPSC का फेवरेट टॉपिक में से एक है। UPSC ने 2013 से लेकर 2016 तक लगातार फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा है किसी ना किसी रूप में। तो इस पे भी एक मॉडल आंसर आप तैयार रखें, इसके अलग अलग एस्पेक्ट समझें कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ केसेस याद कर लें, कुछ जजमेंट्स याद कर लें जो आपको ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करे। ये जो है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्राइटेरिया में है क्योंकि इतनी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखें और इस पे और भी कंटेंट अपना तैयार कर लें। आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखिए फेडरल प्रिंसिपल जो है वो हमारी संविधान में डोमिनेट करता है। फेडरल प्रिंसिपल मतलब क्या है? डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स। यहाँ की जैसे कि बात करेंगे तो स्टेट्स में, जैसे कि और थर्ड टीयर की बात करें तो उसमें भी, तो ये जो डिविजन ऑफ पावर है ये है फेडरलिज्म। तो वो कह रहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक डोमिनेंट प्रिंसिपल है। लेकिन एक और बात ये भी सत्य है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा झुकाव है स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ। तो ये कह रहे हैं ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ झुकाव है ये अपने आप ही फिर अगेंस्ट चला जाता है, अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। इस बात पे आपको अपना डिस्कशन पूरी तरह फ्रेम करना है। तो देखो ये आप कीवर्ड पकड़ें तो डिस्कस, डिस्कस में जो स्टेटमेंट है उसको स्ट्रेंदन करें एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपको एग्जॉस्टिव होना है लेकिन स्पेसिफिक भी रहना है, आपको अपने आंसर को वाइड अप्रोच देनी है लेकिन अपने जो मार्ग है उससे भटकना नहीं है, अपने ही पाथ पे चलना है। क्वेश्चन को ब्रेकअप करें तो देखिए फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कह रहा है कि ये झुकाव है इसका ज़्यादा टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। पूछ ये रहा है कि अगर ये फीचर है तो अपने आप ही ये बात अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म हो गई। तो इसी बात पे आपको
पूरा कमेंट करना है, आपको बताना है कौन से इंस्टेंस हैं जो ये बात को प्रूव करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ है, और फिर वो इंस्टेंस को आपको यहाँ से जोड़ना है। आइए इसकी अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है बताएं, कुछ फेडरल फीचर्स बताएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उसके बाद बताएं किस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो इंक्लाइन करता है टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और ये सब आप बताएंगे कैसे, आप एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, जजमेंट्स, इन सब की मदद से ये सब बताएंगे। फाइनली आप ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नोट पे एंड करें और एक सल्यूशन भी दें अगर हो पाए तो। देखिए आंसर में हम लोग चलते हैं। मैंने फेडरलिज्म को डिफाइन किया एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के रूप में जहाँ पे क्या पावर डिवाइडेड है। तो कहाँ पे डिवाइडेड है, एक तो है यूनियन और जो भी उसके पॉलिटिकल यूनिट्स हैं उनके बीच में। तो देखिए बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स, इंडिया कॉल्ड टू बी अ क्वासी फेडरल स्टेट, इंडिया जिसको क्वासी फेडरल स्टेट कहा गया है वो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट प्लस यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों के ही फीचर कंबाइन करे हुए है। आपको अब ये बात को स्पष्ट यहाँ पे करना है बॉडी में। देखिए स्पष्ट करूँगा मैं, तो पहले मैं फेडरल फीचर बता देता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। सबसे पहले दो सरकारें मौजूद हैं सेंटर स्टेट पे, पावर्स डिवाइडेड हैं सेंटर स्टेट में। सेवन्थ शेड्यूल जो कि लिस्ट सिस्टम है वहीं पे दिख जाता है कि भाई यूनियन के ये काम है, स्टेट के जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्करेंट में दोनों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ पावर ही दिखाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसका मतलब यूनियन है वो अपनी इच्छाओं के अनुसार संविधान को बदल नहीं सकता। अगर वो कहता है ये वाली चीज़ जो है सेंटर और स्टेट मिलके डिवाइड करेंगे तो वो अकेला सेंटर नहीं कर सकता। तो हमारा सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी फिर ये चीज़ जाएगी जुडिशरी के पास, जुडिशरी देखेगी और फाइनली वो इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकती है। अब लेकिन बात ये है कि किस तरीके से ये इंक्लाइन करता है इन द फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि यहाँ पे मुझे यूनिटरी फीचर्स के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो लिस्ट सिस्टम है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, हालांकि वो फेडरल नेचर का तो है पर अंदर ही अंदर देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर्स अंदर ही अंदर हैं। तो देखिए कैसे हैं, यूनियन लिस्ट जो है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट वाली। कॉन्करेंट के केस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ओवरराइडिंग अथॉरिटी रहेगी यूनियन। रेसिड्यूरी पावर जो हैं वो सेंटर या फिर पार्लियामेंट के पास वेस्टेड हैं। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, स्टेट्स इन इंडिया पोजेस नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। एक सिंपल मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट चाहे तो उनका एरिया, बाउंड्री या नाम चेंज कर सकती है। इमरजेंसी के दौरान यूनियन बिल्कुल पावरफुल हो जाती है, स्टेट एकदम से सब्ज्यूम हो जाती है। तो इट कैन लेजिस्लेट इन द डोमेन ऑफ स्टेट लिस्ट एज वेल। ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो रिक्रूट ट्रेन कौन करता है, सेंटर। अल्टीमेटली उनको रखा जाता है किसी स्टेट में, लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेट कंट्रोल रहता है सेंटर के पास ही। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर क्या एजेंट ऑफ सेंटर की तरह एक्ट करता है। ज़्यादातर टाइम्स पे जो है सेंटर जैसा डायरेक्शन देता है गवर्नर को वैसा ही करना पड़ता है। ये जो है एक थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है। अगर सरकार की आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं सेंटर में और स्टेट में, तो सेंटर हो सकता है मिसयूज़ करे अपनी पावर और गवर्नर को कह के वो स्टेट की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करवा दे, सरकार गिरा दे। तो ये एक एक और पहलू है इसी चीज़ का। फाइनली सेंटर्स एंट्री इनटू स्टेट लिस्ट, अगर भाई राज्यसभा चाहे, अगर वो अपनी 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे तो सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। दस इवन द स्टेट लिस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द स्टेट्स, मतलब स्टेट लिस्ट भी पूरी तरह एक्सक्लूसिवली स्टेट की नहीं है। अगर राज्यसभा कहेगी तो उसमें भी सेंटर अपने जो है लॉ बना पाएगा। इसको फाइनली कंक्लूड करें कि भाई फेडरलिज्म इन इंडिया श्योरली इंक्लाइंस इट सेल्फ टूवर्ड्स अ स्ट्रांग सेंटर, जो मैंने शुरुआत में बात कही है। लेकिन स्ट्रांग सेंटर होना नेसेसरली बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रांग फेडरल गवर्नमेंट नहीं हो सकती। इफ द स्टेट्स आर गिवन एडिक्वेट ऑटोनॉमी द फेडरल सिस्टम वुड अकोमोडेट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर आप अच्छे से उनको ऑटोनॉमी दे दें तो एक ये जो फेडरल सिस्टम है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को अकोमोडेट कर सकता है, मतलब फेडरल प्लस यूनिटरी साथ में चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज,
इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुए। उसके बाद आप इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी दिक्कत ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही से डिवोल्यूट नहीं होती हैं, सही से जो है इन तक नहीं पहुँच पाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। वे फॉरवर्ड आप इसमें सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन का मेंशन कर सकते हैं, पंछी कमीशन के रिकमेंडेशन का मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर एकदम कंटेंट से लोडेड होगा। ये कुछ आप थोड़े से रिसर्च करें, अपने नोट्स तैयार करें, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये रिकमेंडेशन भी ज़रूर मेंशन करें। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये तीसरा क्वेश्चन डील करता है पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs के। वो कह रहा है कि संविधान में आर्टिकल 105 इन लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन एक दिक्कत है कि भाई ये कोडिफाइड नहीं है। तो क्या रीजंस हैं जो अभी तक इनका लीगल कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, और उसके बाद इससे क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे एड्रेस करेंगे आप? तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। देखिए, पावर्स, प्रिविलेज, इम्यूनिटी, अगर MP का केस है तो आर्टिकल 105 डील करता है, अगर MLA का केस है वो आर्टिकल 194 इससे डील करता है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो पांच सोर्सेज पे ये बेस्ड होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट्री लॉज हैं, रूल ऑफ द हाउसेज हैं, कन्वेंशंस हैं, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे असेस, ये नया कीवर्ड आया है, हमने अभी तक ये डील नहीं किया था। तो देखिए, असेस जो है, ये जो असेस है ये कह रहा है कि अलग अलग एंगल्स देखिए, क्वेश्चन क्या क्या एंगल्स से डील करता है। हर एक एंगल को समझिए, समझ के उस पे इलाबोरेशन दीजिए अपना यहाँ पे। और कोई एक सिंगल ओपिनियन ना बनाए, अलग अलग ओपिनियन रखे, प्लस में, माइनस में, और फिर उसके बाद पहुँचें आप एक जजमेंट तक। क्वेश्चन को हम ब्रेकअप करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात की गई प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ की, जो आर्टिकल 105 देता है। कह रहे हैं कि वो अनकोडिफाइड है, तो क्यों अभी तक अनकोडिफाइड है भाई, और कैसे एड्रेस करोगे? अप्रोच जो रहेगी इसकी, सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बताओ क्या है, इम्यूनिटीज़ क्या हैं। फिर उसके बाद बॉडी में जाएं तो बॉडी में आप ऐसे इंस्टेंस लिखें जहाँ पे नॉन कोडिफाइड प्रिविलेजेस मिसयूज़ किए गए हैं, तो आप एक अपना बेस बना पाएंगे, एक फाउंडेशन बना पाएंगे कि भाई ये जो है मिसयूज़ किए जा रहे हैं, इसी वजह से अभी आपको यहाँ पे कोडिफिकेशन की ज़रूरत है। अब आप बताएंगे क्यों लेकिन ये अभी तक कोडिफाई नहीं हुए हैं, और आप कैसे एड्रेस करेंगे इस प्रॉब्लम को, ये भी बताएं। फाइनली एक ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नोट पे इसको एंड करें। आंसर में मैंने आर्टिकल 105 को पहले एलैबोरेट किया है कि ये प्रिविलेज और इम्यूनिटीज से डील करता है MP की। उसके बाद मैंने बताया है ये बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है, कलेक्टिव प्रिविलेज और इंडिविजुअल प्रिविलेज। लेकिन फिर भी इनके मिसयूज़ का एक स्कोप रह ही जाता है कहीं ना कहीं से। क्यों? क्योंकि ये कोडिफाई नहीं हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे आखिरी लाइन इस हिसाब से बनाई है कि मैं एग्जामिनर को बता सकूँ कि मैं आगे इसी बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि कोडिफिकेशन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, फिर उसके बाद किस तरह इसको एड्रेस करें। तो आपने जो ये यहाँ पे जो चीज़ छोड़ी है आप अपनी बॉडी में वही पकड़ेंगे। देखिए, पहले यहाँ पे अबाउट में थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि ये क्या है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ये भी एक प्रिविलेज के तौर पे उभर के आता है। कोई भी मेंबर है लायबल नहीं है, कोई भी मेंबर लायबल किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स के लिए किसी भी कोर्ट में, भले ही उसने अगर कुछ कहा हो या फिर उसने कोई वोट किया हो पार्लियामेंट में तो उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैंने यहाँ पे दो एक प्रिविलेज मेंशन कर दिया, एक छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दे दिया बॉडी के अंदर ही। उसके बाद मैंने इंस्टेंस लिखे हैं कहाँ कहाँ ये मिसयूज़ हुआ है। 1978 में इंदिरा गांधी ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की वजह से एक्शंस फेस किए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी जो किए थे उसी वजह से लोगों ने उनको बोला था ये आपका पार्लियामेंट प्रिविलेजेस का ब्रीच है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से उन पर कोई एक्शंस लिए गए थे। 2003 में तमिलनाडु असेंबली के स्पीकर ने पांच जर्नलिस्ट को इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दे दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ क्रिटिकल लिखा, उन्होंने कुछ जो है बात लिखी थी अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, तो स्पीकर ने ऑर्डर दिया कि भाई इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। 2007 में भी ऐसे इंस्टेंस देखे गए जब कर्नाटक स्टेट असेंबली में
स्पीकर ने प्रिविलेज कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऑर्डर कर दिया कि कम से कम 1 साल की सज़ा दी जाए दो जर्नलिस्ट को जिन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है। तो ये आपने 3 चीज़ें देखी किस तरीके से मिसयूज़ किए गए, ये आपने इंस्टेंसेस देखे। अब बात है क्यों कोडिफाई नहीं हुए। देखिए नेचर ऑफ द वर्क अंडरटेकन बाय द पार्लियामेंट ये जनरली डायनेमिक होता है भाई। अगर आज मान लीजिए किसी कम्युनिटी के कोई किसी बात पे क्वेश्चन है तो कल को कोई एनवायरमेंटल मुद्दा चर्चा में आ सकता है, परसों कोई और मुद्दा चर्चा में आ सकता है। तो ये डायनेमिक है नेचर। तो अगर आप कोडिफाई कर देंगे तो वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी नहीं चल पाएगी। तो इफ़ वी मूव ऑन टू कोडिफाई द प्रिविलेजेस इट पुट्स अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द पार्लियामेंट्री फ्रीडम। उन पे फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से इफेक्टिव फंक्शनिंग उनकी कम हो सकती है। और जो MP हैं वो क्या हैं, वो आपके वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो वहाँ पे बैठ के हमारी जो प्लाइट होती है, हमारी जो दिक्कतें होती हैं उनको ये पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो इसीलिए उनको इनफ फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की ज़रूरत है। अगर आप उसको कोडिफाई कर देंगे और कह देंगे कि भाई इस तरीके से आपने बोला तो आप पे ये सज़ा हो जाएगी, ये सज़ा हो जाएगी, तो उनको बोलने से डर लगेगा, वो अपना फियरलेसली ओपिनियन नहीं रख पाएंगे। वे फॉरवर्ड अगर हम जाएँ तो देर इज़ नीड ऑफ द लॉ टू कोडिफाई द प्रिविलेजेस विच में प्रिस्क्राइब द पीनल एक्शंस टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ ब्रीच। नीड तो है लॉ की, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले रेगुलर असेसमेंट्स होने चाहिए, प्रोसीडिंग्स जो हाउस की हो रही हैं उनको लगातार असेस किया जाए, देखा जाए कितनी बार ब्रीच किए गए हैं, एक रिपोर्ट तैयार की जाए, ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के सामने रखी जाए, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश की जाए, फाइनली प्रेसिडेंट को पावर दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट एक्शन ले सके अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये आपने कुछ सॉल्यूशंस दे दिए कि इस तरीके से करेंगे तो काम बेहतर हो सकता है। कंक्लूड आपने किया कि भाई अगर कोडिफिकेशन नहीं है तो ये एक स्पेस तो खोल देता है मिसयूज़ के लिए, लेकिन जो चैलेंजेस है, ये जो आपने चैलेंजेस लिखे क्यों ये अभी तक नहीं कोडिफाई हो रहे हैं, तो ये चैलेंजेस जो हैं इन द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन इनको बड़े ध्यान से आपको टैकल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कोई मैकेनिज्म लाते हैं तो भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ये चीज़ें एकदम हैम्पर ना हो। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। वो कह रहा है क्या हेट स्पीच भी कवर करता है वो। और दूसरी बात एक और पार्ट है क्वेश्चन का, वो कह रहा है जो इंडिया में फिल्म्स बनती हैं वो एक डिफरेंट ही प्लेन पे कहीं ना कहीं स्टैंड करती हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जो अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं, जो उनको फ्रीडम है, जो उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको जो थोड़ा सा बाधित किया गया है, या फिर उनको अगर कोई अलग से सुविधा दी गई है, तो वो सब आप फिल्म्स को नहीं दे सकते एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोल के, क्योंकि वो एक अलग प्लेन पे स्टैंड करती हैं। कीवर्ड डिस्कस करते हैं अपन, कीवर्ड खुद डिस्कस है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट को आपको स्ट्रेंथन करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू, उसके बाद आपको एग्जॉस्टिव रहना है लेकिन स्पेसिफिक भी रहना है, अपनी बात को विस्तार में बताएं लेकिन अपने मार्क से ना भटकें। क्वेश्चन को अगर आप तोड़ेंगे तो 3 बात निकल के आएंगे। पहली बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, उसके बाद भाई हेट स्पीच क्या ये चीज़ कवर करती है, तीसरी बात किस तरीके से फिल्म जो है वो इन सभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म से अलग खड़ी होती है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको एड्रेस करना है। एड्रेस आप करेंगे कैसे, पहले आप अप्रोच लिखेंगे। अप्रोच में देखिए सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बताएं, उसके बाद आप बताएं क्या हेट स्पीच कवर्ड हैं, फिल्म कैसे एक अलग प्लेन पे स्टैंड करती हैं, फाइनली एक ऑप्टिमिस्टिक और सकारात्मक नोट पे इस चीज़ को एंड करें। तो जो आंसर है उसकी अप्रोच इस तरीके से है, पहले मैंने आर्टिकल 19 के बारे में बता दिया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दोनों चीज़ें गारंटी करता है टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और वो क्या कर सकता है, उसके थ्रू वो अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपने बिलीव्स, इन सबको एक्सप्रेस कर सकता है, भले ही किसी भी मीडियम से करे, भले ही ऑनलाइन करे या फिर वो मोबाइल के थ्रू करे या फिर वो खुद बोल के करे, प्रचार में करे, किसी भी तरीके से कर सकता है। जो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है वो ह्यूमन राइट के तौर पे भी आर्टिकल 189 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये आपने थोड़ा सा बता दिया। अब इसके बाद अपन चलते हैं क्या हेट स्पीचेस कवर्ड हैं। तो देखिए
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर डज नॉट कन्फर फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एन एब्सोल्यूट स्टेटस, या फिर इसका मतलब ये है कि उसको एब्सोल्यूट स्टेटस नहीं दिया गया है. मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अनुसार, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्यों लग सकते हैं, वो इंटरेस्ट इन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब के चलते आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. तो अगर अपन बोलें वो एब्सोल्यूट है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है. उसके बाद हेट स्पीच जो है जनरली परसीव्ड टू डाउनग्रेड एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो भाई देखिए क्या है, जो हेट स्पीच है वो जनरली किसी को नीचा दिखाने के लिए, एक ग्रुप को या फिर एक पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या एक सिंगल इंडिविजुअल को, इन सबको नीचा दिखाने के लिए ही कहा जाता है. तो अगर अपन बात करें तो इनडायरेक्टली ये क्या क्या कर सकता है. देखिए किसी ने अगर हेट स्पीच दिया, हो सकता है उससे वायलेंस भड़क जाए. तो वायलेंस जो है अपन यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक क्राइटेरिया है, ये देखिए आप, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट, रिलेशन, वायलेंस. वायलेंस से क्या होगा, आप हाँ आगे देखिएगा, पब्लिक ऑर्डर इससे डिसरप्ट होगा. तो जो पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हुआ है वो हेट स्पीच के अंदर, जो ऊपर 19 में क्लॉज 2 के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, उसमें एक क्राइटेरिया है. फाइनली हेट स्पीच जो है वो एंटी सेक्युलर भी हो सकता है, एक डिफेमेशन भी कॉज कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कॉज कर सकता है. तो ये जो है ये सब के सब इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर क्राइटेरियाज हैं. तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के चलते मैं ये कह सकता हूं कि भाई हेट स्पीच जो है वो कवर्ड नहीं है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फिर अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट पे कि भाई फिल्म किस तरीके से एक डिफरेंट प्लेन पे स्टैंड करती हैं, किस तरीके से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के जो भी फॉर्म्स हैं उससे अलग हैं. तो आइए देखते हैं. देखिए फिल्म जो है बहुत ज़बरदस्त, उसका ऑडियंस बेस होता है, तो उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है. वो अगर कोई बात कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो वो बहुत बड़ी ऑडियंस तक जाएगा, इसकी वाइडर एक्सेप्टेंस होती है. दूसरी बात, फिल्म जो है बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में ही बनती है, अपनी अप्रोच और ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक फैलाती हैं. भले ही गरीब हो या अमीर हो, मूवी किसी ना किसी तरीके से सभी को इन्फ्लुएंस करती है. दूसरी बात, जो फिल्म है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, कमर्शियल बिजनेस है, वो कोई सोशल मैसेज देने के लिए नहीं आए हैं, वो बेसिकली अपना मुनाफा कमाने के लिए आए हैं. उसके बाद ज़्यादातर फिक्शनल होती हैं, रियल भी कम होती हैं, एक एंटरटेनमेंट के पर्पस की तरह सर्व करती हैं. तो अगर इन सब पॉइंट्स को देखा जाए और फिर भी आप माने कि हम लोग फिल्म को एक आज़ादी दें, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कंसिडर करें कि वो कुछ भी दिखाएं, कुछ भी कहें, तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत बहुत वाइड बेस है उसका, बहुत वाइडर ऑडियंस है उसकी. तो एक गलत मैसेज कितने लोगों तक पहुंच सकता है, कितने लोगों का दिमाग फिरा सकता है, उनको गलत काम करने पे मजबूर कर सकता है. इसीलिए फिल्म को हम एक बिल्कुल अलग प्लेन पे ही रखते हैं. भाई एक सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड नहीं करता ऐसा, लेकिन फिर भी हमारा सेंट्रल जो है एक सेंसर बोर्ड है. तो ये सेंसर बोर्ड है, ये हमारे फिल्म्स को चेक करता है, उसमें कहीं भी उसको लगता है कि ये कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है तो वो उसको रिमूव भी कर सकता है. उसके बाद अगर फिल्म फिर भी किसी तरीके से कुछ गलत मैसेज दे रही है तो वो कोर्ट की स्क्रूटिनी में भी आ सकती है. अगर कंटेंट ऑब्सीन है या फिर कोई गलत मैसेज दे रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करने की क्षमता रखता है, तो वो कोर्ट भी स्क्रूटिनाइज कर सकता है. हाउएवर, लेकिन एक अर्जेंट नीड है कि एस्टैब्लिश करो फ्रेमवर्क टू पुट द सिनेमा ऑन सेम प्लेन ड्यू टू इट्स वाइड एक्सेप्टेंस, कि भाई उसको सेम प्लेन पे रखना ज़रूरी है उसकी वाइड एक्सेप्टेंस के लिए. लेकिन इस सेम प्लेन पे रखने से पहले आपको चाहिए फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के आधार पे आप आगे बढ़ पाएंगे. इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन के साथ डील किया. अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, जब भी कम्यूट करना होता है डेथ सेंटेंस को, तो प्रेसिडेंट की हमको पता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है, पार्डनिंग पावर है, कम्यूटिंग पावर है. अब जो ये पावर को एक्सरसाइज करते समय डिलेज होते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जेल के सेंटेंस को खींचते रहते हैं, भले ही अगर कम्यूट हो सके तो भी, क्योंकि इन डिलेज की वजह से ये इस सेंटेंस में पड़े रहते हैं, इस साइकिल में उलझे रहते हैं. तो ये काइंड ऑफ डिनायल ऑफ जस्टिस ही हुआ. तो क्या एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट जिसके अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे, तो ये आपको एनालाइज करना है.
तो एनालाइज अपने आप में कीवर्ड है। देखिए एनालाइज में क्या होता है, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, हर एक पार्ट को अच्छे से एड्रेस करिए, फिर उसके बाद आप हर पार्ट में अपना जो भी आपका ओपिनियन बनता है, जो भी आपको लगता है फैक्ट्स, वो सब लिखें। अब अगर क्वेश्चन को आप ब्रेक करें तो देखिए, पहला तो है कि प्रेसिडेंट का जो डिले है इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस, ये डिबेट में चल रहा है बहुत समय से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिले होता जाता है, जो कन्विक्ट है उसका राइट टू गेट जस्टिस कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ये डिनायल ऑफ जस्टिस के बराबर ही है। क्या लिमिट होनी चाहिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के ऊपर, इस पे आपको बताना है। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अप्रोच ये रहेगी, सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट की पावर बताएं, किस तरीके से वो कम्यूट कर सकता है, लेकिन इन दिनों डीले हो रहा है, ये बात का जिक्र करें। फाइनली ब्रिज बनाते हुए लिखें, ये डीले जो हो रहा है, यहाँ आपने लिखा है, वे क्यों हो रहा है। आप केसेस बताएं जहाँ पे डीले हुआ है, जिससे कि डिनायल ऑफ जस्टिस है। आप सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ओपिनियन बताएं अगर आपको पता हो तो। फाइनली क्या लिमिट होनी चाहिए इसमें, अगर कोई केस और जजमेंट आपके पास हो तो वो मेंशन करें। ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नोट पे एंड करें सॉल्यूशन के साथ। आंसर में देखिए, इंट्रोडक्शन में देखिए, मैंने मेंशन किया है आर्टिकल 72 के बारे में, जो भारत के संविधान का एक आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को कम्यूटिंग पावर देता है रिगार्डिंग द डेथ सेंटेंसेज ऑफ अ कॉन्विक्ट। लेकिन दिक्कत यह है, कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट को डिसाइड करना चाहिए। इस वजह से ये केस खिंचता ही चला जाता है, और जिसको कम्यूटेशन मिल जाना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। 14, 15, 20 साल बाद या तो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, पर तब तक वो एक सज़ा पूरी पूरी काट चुका होता है। तो इस तरीके से ये डिनायल ऑफ जस्टिस के बराबर है। इस वजह से क्या होता है, डिलेज होते हैं डिसाइडिंग द पिटीशन। अब क्यों होते हैं ये डिलेज, देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। जब भी कहीं एग्जीक्यूटिव प्रोसेस आता है, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर डिले के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ये डिसाइड करता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट है बाउंड। प्रेसिडेंट को वो बात कहनी पड़ती है जो वो कहते हैं। अब अगर इस लेवल पे ही आपके लेट हो रही है चीज़, तो ये लेवल क्या करेगी। तो बेसिकली इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की वजह से डिलेज आ रहे हैं, तो इसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, तो देखिए जो डिले हैं ये सफरिंग को बढ़ा देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं। फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेंटल ट्रॉमा बढ़ जाता है, तो ये ह्यूमन राइट ऑफ द पटिशनर को भी हैम्पर करते हैं, उनको इन्फ्रिंज करते हैं। दो केसेस हैं यहाँ पे, ये शत्रुघ्न चौहान जो केस था, इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन जो आपका है न्यूज़ में था, और इसी वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन 2014 में GS2 में पूछा था। इस केस में कहा गया था, अगर प्रेसिडेंट डिले करता है मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करने में, तो ये एक टॉर्चर के बराबर है, ये डीह्यूमनाइजिंग है नेचर में। और इस तरीके के अगर डिलेज होते रहे, ये तो अपने आप में सफिशियंट है कि आप कम्यूट कर दें सेंटेंस को। मतलब कि भाई जो प्रेसिडेंट डिले कर रहा है रिजेक्ट करने में, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है फॉर द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। प्रेसिडेंट डिले कर रहा है इसलिए ट्रॉमा हो रहा है, इस वजह से कम्यूट किया जाए। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, ये आप ध्यान रख लें। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ये ज़रूर कोट करें। फाइनली राजीव गांधी असैसिनेशन केस में हमको पता है, द कोर्ट हैज़ कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट्स, ये सोचते हुए कि भाई इनऑर्डिनेट और अनरीजनेबल डिले जो है वो उनको और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर रहा है, तो इसीलिए कोर्ट ने ही उनके सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था। तो ये दो केसेस हो गए, आपका आंसर और स्ट्रांग हो गया। फाइनली कंक्लूड करते हैं, टू री एस्टैब्लिश द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट्स मशीनरी, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए सरकारी मशीनरी में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू कीप द टाइम डिलेज इन डिसाइडिंग कम्यूटेशन टू द मिनिमम। मतलब टाइम डिलेज जो है वो मिनिमम से मिनिमम रखे जा सकें सरकार द्वारा। अभी ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आर है कि एक सिस्टमाइज मैनर में परफॉर्म किया जाए, एक सिस्टमाइज मैनर में काम किया जाए, जिससे कि जो है ह्यूमन राइट जो वायलेट हो रहे हैं कॉन्विक्ट के, उसको रोका जा सके। छठा क्वेश्चन होगा कि भाई साइज ऑफ कैबिनेट के बारे में, जो कैबिनेट के साइज़ है, इट शुड बी एज बिग एज द गवर्नमेंट वर्क जस्टिफाइज, जितना गवर्नमेंट का काम है उतना ही बड़ा कैबिनेट होना चाहिए, एंड एज बिग एज द प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज एज अ टीम, और इतना बड़ा कि प्राइम मिनिस्टर एज अ टीम मैनेज कर पाए। इसका मतलब आपका अगर कैबिनेट बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि
जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा, तो फिर आपकी एफिशिएंसी एकदम डाउन हो जाएगी। तो जो कैबिनेट का साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने में। तो वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, हाउ फार इज़ द एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट इन्वर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ कैबिनेट। मतलब इन्वर्स रिलेशन, मतलब अगर साइज ऑफ कैबिनेट छोटा होगा तो आपकी जो एफिकेसी है वो बढ़ेगी। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन जो है कीवर्ड कहता है डिस्कस। डिस्कस मतलब अपने स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करें एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्वेश्चन को अगर अपन ब्रेकअप करें, पहला पॉइंट है साइज ऑफ कैबिनेट के बारे में, उसके बारे में अपने समझ लिया कि साइज ऑफ कैबिनेट बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। फिर क्या कोई इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन द एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट और साइज ऑफ कैबिनेट? तो इसमें अप्रोच ये रहेगी कि आप पहले कैबिनेट के बारे में बताएं, कैबिनेट भारत के संविधान से कैसे जुड़ा हुआ है ये बताएं, साइज ऑफ द कैबिनेट के बारे में कुछ जिक्र करें, फाइनली एक छोटे कैबिनेट की डिसएडवांटेज लिखें, एक बड़े कैबिनेट की डिसएडवांटेज लिखें। हमने दोनों ही पहलू कवर कर लिए, उसके बाद आप एक बैलेंस्ड जजमेंट की तरफ बढ़ें। तो देखिए, शुरू अपन ने ऐसे किया कि कैबिनेट जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसकी? एग्जीक्यूटिव विंग की, गवर्नमेंट के। उसमें मेंबरशिप होती है सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, जो ज़रूरी है कलेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए सरकार द्वारा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मैंने यहाँ जिक्र किया, जिसने फिक्स किया था साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% पे, जो भी लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ है उसके अनुसार। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी में से, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी में से जो हिस्सा एक निकल के आएगा वो आता है आपका कैबिनेट। तो बड़े वाले की साइज़ फिक्स की थी, तो हमने COM के बारे में बात की यहाँ पे, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। कैबिनेट मोर ओवर इज चोजन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया लिमिट इस कैबिनेट की। बॉडी में मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेज स्मॉल की और लार्ज की। देखिए, पहले स्मॉल की डिसएडवांटेज पे चलते हैं। इसमें क्या हाई इंक्लिनेशन हो सकता है टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब कुछ गिने चुने लोग हैं उन्हीं के हाथ में पूरी तरह पावर सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे पावर का डिवीजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दूसरी बात, अब मान लीजिए 5 लोग हैं, काम तो है 5,000, तो इन लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में काम बढ़ेंगे ही, कम तो होंगे नहीं, तो बर्डन बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आप एक छोटा कैबिनेट लेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बर्डन बढ़ेगा, बर्डन की वजह से एरर्स कॉज होंगे जल्दी जल्दी करने में, या फिर अगर आप जल्दी नहीं करेंगे एरर को बचाएंगे तो भी डिलेज होंगे। दोनों ही तरफ काम आपका कॉम्प्रोमाइज ही होगा। अब अगर लार्ज कैबिनेट रखूँ मैं, तो उसकी क्या डिसएडवांटेज है कि भाई लार्ज कैबिनेट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कंसेंसस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, सबका ओपिनियंस डिफर करता है, इसकी वजह से इनएफिशिएंट हो सकता है प्रोसेस। वही बात, डीले आ जाएगा, क्योंकि लोग इस पे एक एक मुद्दे पे अपना ओपिनियन बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, हर आदमी का अलग ओपिनियन होगा, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, डिलेज होंगे, रिसोर्सेज ज़बरदस्ती वेस्ट होंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा बार मीट करना पड़ेगा, ज़्यादा बार आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तो उस दौरान आपकी मीटिंग के खर्चे सब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आप कंसेंसस तक जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। फाइनली क्या होगा, ज़्यादा नंबर लोग होते हैं तो चांसेस हैं कि उनमें से कुछ लोग मनी पावर की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएं, तो वो कोई डिसीजन ही ना लेने दे गवर्नमेंट को, तो ये मनी पावर का भी एक यहाँ पर रोल आ जाता है। हालांकि चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी भी अगर प्रॉस्पेक्टिव है तो हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूड मैं ऐसे करूँगा कि भाई आइडिया जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का एज हेल्ड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। देखिए, 2014 में जब सरकार बनी तो उसने ये अपना स्लोगन रखा, इस स्लोगन के चलते ही ये सवाल UPSC ने पूछा था, तो इनडायरेक्टली ये भी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड हुआ। तो ये जो स्लोगन सरकार ने दिया, इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी डिसाइडेड इन ऑर्डर टू रीच द मोस्ट ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इस तरीके से आप अपने कैबिनेट का साइज डिसाइड करें कि आप रिसोर्सेज का सबसे बेहतरीन, सबसे इफेक्टिव, सबसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। थैंक यू।